मटन सीख कबाब। मटन सीख कबाब बनाने के लिए हमें किन किन की ज़रूरत पड़ेगी वो हमने ले ली है, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये रेसिपी 5 kg मटन का बोनलेस है, 5 kg मटन का बोनलेस। इसके लिए हमें कितने प्याज होंगे, कितने मसाले होंगे, वो साथ के साथ ही आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मटन का बोनलेस हमने ले लिया है 5 kg, और 7 हरी मिर्ची हैं, और उसके बाद अदरक लहसुन, चने का पाउडर, प्याज मशीन से निकाल के, इसका पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है। पानी अगर प्याज का पानी कीमे के अंदर रहेगा, कबाब के अंदर रहेगा, तो कबाब कभी भी नहीं सीख पे बनेगा, वो जैसे आप सीख पे चढ़ाएंगे कबाब गिर जाएगा क्योंकि उसके अंदर होगा पानी। तो इस वजह से हमने पानी प्याज का बिल्कुल निकाल दिया है। इसमें हमने प्याज डालने हैं 1.5 kg प्याज, 1.5 kg प्याज कीमे मशीन से निकाल के उसका पानी बिल्कुल हमने निकाल देना है। प्याज हमने डाल दिए हैं, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और इसमें साथ डालेंगे लहसुन के जवे, अदरक बिल्कुल हमने हल्की देनी है क्योंकि अदरक में भी पानी होता है, और साथ में हम डालेंगे चने का पाउडर। चने का पाउडर 1 पाव से ऊपर है। अब इसको हमने मशीन से निकालना है, कीमे वाली मशीन से। कीमे वाली मशीन से निकालने के बाद ही जितने मसाले और डालने हैं वो इंशाल्लाह आपको साथ के साथ ही बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर देंगे हमने मशीन स्टार्ट। कीमा हमने निकाल दिया है मशीन से, और अब इसमें हम डाल लेंगे मसाले, गरम मसाला 1 चम्मच, चना साल्ट 2.5 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर 1.5 चम्मच, जीरा सफेद ग्राइंड किया हुआ, नमक हसब जरूरत अपने हिसाब से हम डालेंगे 2.5 चम्मच टेबल स्पून। अब इसमें हमने कर दिया मिक्स, और साथ ही हमने 1.5 पाव डालडा घी ऐड करेंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम दोबारा कीमे वाली मशीन से निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम दोबारा निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार भी कीमा निकाल दिया है, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मटन का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है सीख कबाब के लिए। अब हमने इसको रख देना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, उसके बाद कोयले जलाएंगे, साथ ही सीख पे भरना स्टार्ट करेंगे। सीख पे किस तरीके से चढ़ाना है इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटन कबाब सीख पे चढ़ा रहे हैं, और आपको बताएंगे किस तरीके से चढ़ाना है। गोला बना लेना है मटन का, और सीख पे लगा के इस तरीके से फैला देना है। हल्का सा पानी देना है, इस तरीके से सब बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कबाब पक रहे हैं हमारे, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पका लेंगे, और मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मटन कबाब की। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब रेडी हो चुके हैं, अब इनको हम उतार देंगे।